हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी बज रहे हैं 9:30 हुआ है और आज है संडे। तो वेलकम टू माय अनदर संडे व्लॉग। मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ना ही आज कराटे क्लास जा पाई, ना ही कल ट्यूशन जा पाई। मेरी तबीयत ख़राब है। मज़ेदार की बात यह है कि मैं एक ही दिन में दो दो व्लॉग शूट करी। ये तो संडे का है, संडे के बाद में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा व्लॉग है वो मैंने कल स्टार्ट किया था, मतलब यस्टरडे स्टार्ट किया था, टुमारो ख़त्म होगा। और उसमें क्या है वो आप लोगों को तो दूसरे व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, पूरी तरह फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज ब्रेकफास्ट में क्या है। ये है परवल, आलू, सोयाबीन का मसाला फ्राई, मतलब मसाला डाल के फ्राई किया गया है। यह है मेरी बहन का मैगी और ये है पराठा, मतलब जैसे कि रोल बनाते हैं ना उसी तरह इसमें पराठा, पराठे में ऑमलेट देके बनाया जाएगा, मतलब ऑमलेट को इसके ऊपर चिपकाया जाएगा। और ये है दही बड़े, कल पापा ने मम्मी के लिए लाया था, मम्मी ने बनाया नहीं है, मम्मी ने एक खाया और एक जो बचा था वो आज मम्मी ने मेरे लिए बना दिया। और किस किस को दही बड़े पसंद है कमेंट करके बताना, नहीं तो अगर कमेंट सेक्शन बंद रहेगा तो लाइक ही कर देना। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने जो ग्रीन लीफ लगाया था, ग्रीन लीफ का सेब वो कितना बड़ा हुआ है। ये देखिए धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे ही ये भी बड़े हो रहे हैं। अरे तुम लोग जल्दी से बड़े हो जाओ तभी तो हम तुम्हें खाएंगे। इस रूम में हमारा नॉनवेज बनाया जाता है, ये अलग सा चूल्हा है नॉनवेज के लिए। और ये सब सारे केक के सामान बिखरे पड़े क्योंकि मम्मी ने कल केक बनाया था, जो आप लोगों को दूसरे व्लॉग में जानने को मिल जाएगा कि केक क्यों बनाया था। तो ये तो साफ़ किया जाएगा, कल रात को मम्मी केक बनाई थी और उसमें मैं मम्मी की हेल्प कर दूँगी साफ़ करने में। यहाँ मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है, तो यहाँ जो मम्मी मैंने पराठे बोले थे मम्मी वही बना रही है, मतलब ऐसे बनता है ये पूरा। दिखा चुकी जो बन चुकी, पूरा दिखाना कि आधा दिखाना है लोगों को। इसे ज़ूम कर, इतना भी पता दिखाओ, बोल करने से होगा सत्ता ही छिपा ऑन करो। तो ये हो गया और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और पापा का मार्केटिंग भी पूरा हो चुका है, सुबह सुबह पापा ने जाके मार्केटिंग किया था। तो आज तो है संडे और पापा डिसाइड कर रहे थे कि प्लान कर रहे थे कि आज हमें वो बाहर लेके जाएंगे, मतलब बाहर लंच करेंगे। लेकिन मम्मी मना कर रही है क्योंकि मम्मी को इतनी गर्मी में बाहर जाने का मन नहीं हो रहा। पता नहीं जाएंगे कि नहीं, अगर जाएंगे तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, नहीं तो अगर घर में बनाएंगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग देखना चाहोगे मम्मी का क्या ब्रेकफास्ट में है, ये देखिए। मम्मी अभी डाइट में रही है, जब डाइट में होती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब वो डाइट में होगी, इतना स्ट्रिक्ट डाइट करती है वो। मेरे पापा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लाए, मुझे पता नहीं था, वो अभी अभी लेके आए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गुल्लू, डाको गुल्लू, गुल्लू हाँ। और सी ये की है हाँ। तो ये एक ही फ्रेम में दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे है या दो बच्चे आप लोग गेस कीजिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरी छोटी बहन है, हम दोनों एक ही फ्रेम में हैं। दिखा दिया, सीधी साधी सिंपल से बैठी हूँ और मेरी बहन दबंग स्टाइल से। मेरी बहन सोच रही है कि वो लोग खाना खाएंगे इसलिए उन्हें खाना खिला रही है। और अभी तो सोचा नहीं गया ये कहाँ टंगा जाएगा, क्योंकि अभी तो आया है, जब टांगा जाएगा तब मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। मेरी मम्मी ने मेरे ड्रेस पूरे संभाल के रखे थे और जब मेरी बहन आई तो उसे ये पहना के फ़ोटो शूट किया गया और वही सेम स्टूडियो में फ़ोटो उठाया गया था। और उन अंकल ने वही सेम चेयर रखा था, बस कैम वो उसका कलर ही उड़ गया। देखिए मेरी बहन कैसे देख रही है।
मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी छोटी बहन मम्मी रेडी होने के बाद हम लंच करने जाएंगे, मतलब सिमलीगुड़ा जाएंगे। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है क्योंकि गांव से आने के बाद हमने और शॉपिंग नहीं किया है। और मम्मी पापा जब जाते हैं तो एक बार में 2-3 महीने का सामान ले आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सामान तो है लेकिन जो ख़त्म हो गया वही बस लाएंगे। इतने सारे व्लॉग्स बचे हैं कि एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके अपलोड किया जाएगा। ऐसा मन कर रहा है कि एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर दूँ, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। मतलब सोचिए कितने सारे व्लॉग्स हैं। पहुंच चुके हैं सिमलीगुड़ा और ये हम एक नए रेस्टोरेंट में आए हैं। मतलब ये मेरी स्कूल की फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, तो उसने बोला था कभी एक बार आना, तो मैंने बोला था हाँ आएगी, तो आज हम पहली बार आए हैं। चलिए मैं आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाती हूँ। आए ना तो वो आंटी बहुत खुश हुए, उन्होंने मतलब कितने प्यार से हमें बिठाया और हमने ऑर्डर दे चुका है, उन्हें भी बहुत खुशी हुई। तो जब खाना आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खाना आ गया है, चलिए आप लोग कैसा दिख रहा है। मैं नहीं बोला, बोली बात चिकन चिकन खाना है। ओके हाँ, खाना गर्म नहीं और ठंडा खाओगी। तो खाना बहुत ही मस्त है, बहुत ही टेस्टी है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी बहुत है। इस रेस्टोरेंट का नाम सुची रेस्टोरेंट है और जो भी इस रेस्टोरेंट के पास रहते हो, आसपास में जो कोई है, यहाँ ज़रूर आना खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है। जो कोई भी यहाँ आसपास में है जरूर आना और मजे करना खाने के। और हमारा मसाला ड्रिंक भी आ चुका है, चलिए ठंडा। तो हम मॉल आ चुके हैं। उधर क्यों जा रही हो? चलो गर्मी लग रही है। हम शॉपिंग कर चुके हैं, मार्केटिंग कर चुके हैं, पापा बिल कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे। और बहुत गर्मी है इसलिए हम डायरेक्ट घर जाएंगे, डायरेक्ट घर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ फिर से। उनका बड़ा ले जाएंगे तुम्हारा।
ऑल, तो मैं वहाँ से आने के बाद फिर से व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत धूप थी और हम आने के बाद थक गए थे, इसलिए हम सो गए थे, अभी उठे हैं। और चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। टीवी में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, इसलिए पापा ने इन अंकल को बुलाया है टीवी को ठीक करने के लिए। खैर वो तो ठीक करे। चलिए मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। रुको, तो यहाँ बारिश हो रही है, इतनी गर्मी है, जबकि गर्मी का मौसम है तो इतनी गर्मी होती है, इसलिए घर में तो बैठने का मन नहीं करता, इसलिए हम बाहर बैठते हैं। और सुबह तो इतनी धूप होती है, इसलिए बहुत तो गर्मी होती है, इसलिए बाहर बैठने को मन नहीं करता, इसलिए हम शाम को बैठते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन अब भी बैठ नहीं पा रहे क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, शाम को बारिश होती है जब बैठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब बारिश नहीं होगी, मौसम अच्छा होगा, तो तब हम यहाँ बैठा करेंगे। हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ का कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है, बस चावल बनाया जाएगा और एग करी बनाया जाएगा। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आज के लिए इतना ही। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा तो सपोर्ट कर लिया करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। मछली चल की।